इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस 100% रिजल्ट आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट माई फॉलोइंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स. द फर्स्ट वन आर यूट्यूब चैनल. Unique style of teaching. I would like to request you to subscribe my channel first. If you have already subscribed my channel, then thanks for that. Like my videos. Give me good comments in my channel and videos as well. Please do not forget to sharing the of my videos with your friends and class fellows. Then our Facebook page. Like my this page. At the end, the third educational platform, my Facebook group, Unique Style of Teaching. Now watch the video. O level mathematics में bearing एक most difficult topic समझा जाता है. लेकिन अगर आप मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर को देख लेंगे, सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हर क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपका राइट आंसर आएगा. ओवरऑल चूंकि मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, आपको बेरिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर या बेरिंग के टॉपिक के वीडियोस तलाश करने में मसला होगा. अगर शुरू में होम और वीडियो दोनों ऑप्शन को छोड़ के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट आप यूं ही ओपन करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाती हैं. उसमें बेरिंग लिखा हुआ है, बेरिंग वाले आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको बेरिंग से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. क्वेश्चन 1 to 5 जो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ. आज क्वेश्चन नंबर 6 का अपलोड इन प्रोसेस है. ये पॉइंट आपके पास आर, दिस इज क्यू, दिस इज पी. एंगल एट क्यू इज 98 डिग्री, एंगल एट आर इज 47 डिग्री और पी पे नॉर्थ गिवन है. पी पे नॉर्थ का जो लाइन है वो इस तरह से उसने दिया हुआ है. दिस इज द नॉर्थ और दिस एंगल 38 इज गिवन. सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसका मेथड बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे.
डायग्राम शोज द पोजिशंस ऑफ पी कॉमा क्यू एंड आर स्टेट द बेरिंग ऑफ सिक्स पार्ट है इसमें, जो पहला पार्ट है ए पार्ट, पी फ्रॉम आर, बी पार्ट है क्यू फ्रॉम आर, देन सी पार्ट है Q from P. D part है R from P. Then E part P from Q. Then F part R from Q. अब सबसे पहले आप अपने डायग्राम पे आ जाए. डायग्राम पे आपके तीन पॉइंट्स हैं P, Q, R. P के ऊपर नॉर्थ उसने बनाया हुआ है, जबकि R और Q के ऊपर आपके पास नॉर्थ नहीं है. सब किसे जो पहला काम आपने करना है वो नॉर्थ बनाएंगे. अपने R पे नॉर्थ बनाएं, ये आपका पहला सबसे पहला काम होगा. और उसके बाद आप Q पे नॉर्थ बना दें, ये आपका नॉर्थ हो गया. ये काम करने के बाद, चूंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टू एंगल्स गिवन है, वन इज अ 98, अदर इज अ 47. थर्ड एंगल विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंगल यू कैन फाइंड 180 से. अगर आप 98 और 47 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, जो कि 35 डिग्री आता है. अब आप जाएं अपने बेरिंग के ऊपर पार्ट वन के अंदर. पी फ्रॉम आर, आपने आर से चलना है, पी पे जाकर रुक जाना है. ये आपका पी है, ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सॉरी आर है. उसने कहा था पी फ्रॉम आर, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आर है और डेस्टिनेशन आपका पी है. यहाँ से आप जब चले, ये लाइन मिला, ये लाइन क्यू का लाइन है, इसको छोड़ दें और इस लाइन के ऊपर जब आते हैं तो आपका मुलाकात हो जाता है पी वाले लाइन से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ऑफ पी का. तो ये वाला अगर एंगल आपको मिल जाए तो आपको बेयरिंग मिल जाएगा. इसको मैंने ज़रा डार्क कर दिया. अब आप देखें, ये मैं इसको डॉट कर देता हूँ, यहाँ भी डॉट लगाता हूँ, यहाँ पर भी डॉट लगा देता हूँ. ये टोटल एंगल जो कि 38 और 35 हैं, और यहाँ का पूरा एंगल दिस वन, इन दोनों एंगल को हम सम अप करेंगे तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 है, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम 180 है. 180 से अगर आप 38 और 35 को माइनस कर देते हैं तो आपको एंगल मिल जाएगा 180. कैलकुलेटर पकड़ लें आप, 180 माइनस 38 माइनस 35 तो एंगल आपको मिलेगा 107. तो 107 ही इसका बेयरिंग है. सिंपल आप ये वर्किंग करने के बाद 107 डिग्री आप लिख देंगे, आपका बेयरिंग का क्वेश्चन आ गया.
सेकंड पार्ट बी पार्ट, क्यों फ्रॉम आर, आपने आर से चलना है, ये आर से चले और यहां पे आपका मुलाकात हो गया लाइन का क्यू का, ये वाला आपको एंगल चाहिए। अभी आपको मैं इसको जरा एनएलए पेन के साथ डार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए विच एंगल यू वांट। ये वाला मैंने इसको कर दिया ब्लैक पेन के साथ। ये 107 यहां से लेकर यहां तक हम ये पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 107 से अगर आप 47 माइनस कर देंगे तो आपको ये एंगल बन जाए मिल जाएगा जो कि 60 डिग्री है। तो जब आप बेरिंग लिखेंगे तो बेरिंग इसका होगा 060 डिग्री विल बी द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। अब है जी सी पार्ट, क्यू फ्रॉम पी, आपने पी से चलना है और क्यू तक आना है। चलें जी देखते हैं जी पी किधर है। ये देखें ये आपका पी है, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। पी से लेके आपने आना है क्यू तक। चलें जी पी को चलते जाएं, पी से चलते 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 आपका मुलाकात होगा ये क्यू आ गया आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं इसको कर देता हूँ डार्क, कंप्लीट जो रोटेशन है वो आपके पास 360 होता है। 360 में से 38 एंगल आपको नहीं चाहिए, तो इट मीन आप 360 इसका जो वर्किंग आप करेंगे 360 माइनस 38 का जो आंसर आएगा वो आपका इसका बेरिंग होगा जो कि 322 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है आर फ्रॉम पी, आपने पी से ही चलना है आर तक रुक जाना है। ये लें जी यहाँ से चले, ये पी हमारा है लाइन स्टार्टिंग पॉइंट है और चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और यहाँ तक हमारा ये आर से मुलाकात हो गया, यहाँ रुक जाएं आप। इसको मैं ब्लैक मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो सके। ये लीजिए जी, अभी दो तरीके हैं। यहाँ तक आपके पास हाँ बेरिंग थी 322 से अगर आप 35 माइनस कर देंगे तो आपको डिजायर्ड बेरिंग मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि कंप्लीट रोटेशन 360 है, 360 से 38 और 35 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको इसका बेरिंग मिल जाएगा। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको मेथड अपील करता हो। मैं 322 से अगर 35 माइनस कर दूँ तो मुझे 287 विल बी द डिजायर्ड बेरिंग। ये लें जी, नेक्स्ट है ई पार्ट, पी फ्रॉम क्यू, आपने क्यू से चलना है पी पे जाकर रुक देना है। चलें जी आ जाएं, अब मैं पेन दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, ब्लैक पेन से मूवमेंट करता हूँ। ये फ्रॉम क्यू, क्यू से चलना है पी तक आना है, ये वाला लाइन पी का। ये लें जी ये वाला एंगल चाहिए आपको। ये पी है, ये क्यू है, अभी ये एंगल 38 दिया हुआ है और ये वाला जो एंगल है इन दो का सम, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम 180 होगा। 180 से 38 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा जो कि 142 है। 142 एंगल है तो ये ही आपका बेरिंग होगा, थ्री डिजिट्स में है तो आप सिंपल इसको लिख दें। अब वर्किंग में 180 से 38 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 142 आपका एंगल आ जाएगा जो कि बेरिंग है 142 और बेरिंग का डिग्री का साइन दे दें। नेक्स्ट है आर फ्रॉम क्यू, आपने आर से चलना है क्यू तक आना है। चलें जी सॉरी, अपना क्यू से चलना है आर तक आपने आना है। ये क्यू है आपके पास और ये हमारे पास पी का था और ये वाली लाइन यहाँ तक। अगर आप
142 जो कि एंगल हमने पहले फाइंड किया था बेयरिंग में, और 98 ये एंगल गिवन है, 142 में 98 ऐड कर लेंगे तो आपको बेयरिंग मिल जाएगा 142 प्लस 98 इज इक्वल टू 240, ये भी आपको विजिबल हो जाएगा 240 डिग्री, ये जी आपका डिजायर्ड बेयरिंग है। अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए 0321 5838264। थैंक यू वेरी मच।